देखिए अभी हम कंसरा डिपा टोली पहुंच चुके हैं और आज का ब्लॉग मेरा यहीं से शुरू होता है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में और आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। सो आज का हम वीडियो मेरा यहीं से शुरू होता है, जो आज हम जाने वाले हैं कौन कौन सा एरिया में हम आपको बताते हैं उत्तर की ओर। आज हम निकले हैं और हम घर से निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं 10 किलोमीटर दूर कंसरा डिपा टोली, जिसका नाम है, जो कि देख सकते हैं पहाड़ वहाड़ सब दिख रहा है आप सभी को, ये सब कुछ घर है। और उसके बाद उतर जाएगा एरिया का क्या क्या नाम है, सो हमसे बने रहिए आप लोग। और आज का बहुत सुंदर वीडियो बनने वाला है क्योंकि आज जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पे कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो कि हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे और आपको अच्छा अच्छा सीन आज देखने को मिलेगा। सो चलिए हम आज का ब्लॉग को शुरू करते हैं। देखिए हम भेलवाड़ी में आ गए हैं, भेलवाड़ी महदान टोली में आ गए हैं। देखिए ये रहा भेलवाड़ी का कुछ सीन दिखा दे रहे हैं यहाँ से। आज थोड़ा सा धूप बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। हम बिलिमगियारा से वापस जा रहे हैं घर के लिए। यहाँ से पालकोट 17 किलोमीटर है, हम यहाँ से वापस फिर से जा रहे हैं क्या कि इधर और गाँव ही नहीं है। देखो कितनी पहुँच गए हैं हम, नहीं कौन को वो भी इतने पढ़ा लेकिन उनको बकरा दाम मोटा है, क्वालिटी भी अलग है चीज भी अलग है। देखा है तुमको तो कैसे देखो दाम हर के तो नहीं बता है तो शुरू वाला देख रहा से अगर 250 कर 450 कितना 450
मोटका है खिजूर पटिया जी से ना है खिजूर पटिया तीन तो पार्टी है वो कपड़ा भी अलग है इकर कपड़ा उकर कपड़ा अलग है कैसा खिजूर वाटर चटाई से चिपकी है जैसे सीधा देख रहे हैं ये तो उल्टा है कि सीधा है कपड़ा भी मोटा है भुसभुसाई भी नहीं रंग तो एक बूंद नहीं है क्रूसकेला में ही है अभी बिलिंगबेरा से आ गए क्रूसकेला अब यहाँ से निकलते हैं हो गया है यहाँ पे 3 बज गया हम अभी क्रूसकेला के अंदर हैं वहाँ से हम चटाई सब तिरपाल सब बेचें फिर आगे बढ़े हम आपको क्रूसकेला में एक रहस्यमय बात बताते हैं जो कि पुरखाओं का कहना है जब हम ग्रामीण सबसे जब बात किए हम तो बताया जाता है कि यहाँ का जो पहले समय में वो देखिए वो जो चट्टान जो दिख रहा है ना वो देखिए उधर जाने का रास्ता नहीं है अभी बरसात का समय है ना तो खेती बाड़ी हो गया है तो पूरा धान उन सब लगल है तो जाने के लिए उधर तो वो नज़दीकी से जाना पड़ता है तो हम यहाँ दूर से ही आपको हम दिखा दे रहे हैं देखिए जूम करके दिखा रहे हैं ये पत्थर जानते हैं क्या चीज़ है यहाँ के जो ग्रामीण है वो कहते हैं ना कि ये एक बुजुर्ग आदमी बंसी बूढ़ा नाम इसको बंसी पहाड़ से भी जाना जाता है और बंसी बूढ़ा बोलते हैं ये देखिए ये एक आदमी है अब सच है कि नहीं है वो चीज़ तो हम जानते नहीं हैं लेकिन कहा जाता है इसका तीन एक उसका बुढ़िया भी है समझे ना ये तो बंसी बूढ़ा है ठीक है और इधर है आपका देखिए वो पहाड़ एक दिख रहा है हम उसको जूम करके दिखा दे रहे हैं ये शायद इसका बैल है इसे बताया जाता है इसका बैल है जो इसे पहाड़ का रूप लेके इसे मतलब हुआ है पता नहीं जानते हम है या नहीं है लेकिन यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि वो बैल है और इसका बुढ़िया जो है ना उधर उधर उस साइड में है समझे ना तो यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि पहले का समय में शायद ये लोग एक आदमी जैसे दिख रहा है देखिए ना सेम आदमी जैसे दिख रहा है तो वहाँ जाने से सामने जाने से पता चलता तो एक दिन हम पूछ रहे थे तो कहता है कि नहीं यहाँ का मतलब पुरखा पाठ लोग कहते हैं कि ये पहाड़ बनी है समझे ना ये पहाड़ बनी है और कहते हैं कि कभी समय में ये लोग जीवित हो उठेंगे पता नहीं ये सच है नहीं हम ये चीज़ सब चीज़ में तो हम विश्वास करते नहीं हैं लेकिन जब हम पूछे तो ये सब चीज़ बताया गया और यहाँ ये चीज़ बताया जाता है ना बाकी इतना ही जानकारी है मेरे पास और बाकी तो नहीं है